हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ चार ऐसी हेल्दी ड्रिंक की रेसिपी जो अपने डाइट में आप शामिल कर सकते हो इजीली। अगर आप वजन कम करना चाहते हो या वेट गेन करना चाहते हो उसके लिए भी रेसिपीज है, तो इसे जरूर ट्राई करना। हाई प्रोटीन ड्रिंक्स है जितने भी है सब, तो बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है और जितने भी ड्रिंक्स है सब बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, तो आप इजीली इस रेसिपीज को अपने डाइट में शामिल कर सकते हो। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो, पहली बार मेरा वीडियो वॉच कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से इजीली नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाई प्रोटीन ड्रिंक हम बनाएंगे, जैसे कि जूस भी आप इसे कह सकते हैं, और ये इतना ज़्यादा हेल्दी होता है ना कि आप इसे अपने ब्रेकफास्ट में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अगर आप वर्कआउट करते हो, डाइट करते हो या फिर जिम जाते हो तो ये हाई प्रोटीन ड्रिंक है, तो इसे ज़रूर शामिल कीजिए अपने ब्रेकफास्ट में, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो इसे बनाना बेहद ही ज़्यादा आसान है। सबसे पहले एक मिक्सी का जार लेंगे हम, इसमें ऐड कर देंगे दो बनाना मैंने यहाँ पर लिए है वो इसमें ऐड कर दिया है, और उसी के साथ यहाँ पर हम इसमें कुछ हेल्दी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जैसे कि ओट्स जो होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, वेट लॉस करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है अगर आप ब्रेकफास्ट में खाते हो तो। इसे खाने का तरीका अलग अलग होता है, वो आगे मैं बताऊँगी मेरी वीडियोज़ में, नए नए वीडियोज़ में बनाऊँगी ब्रेकफास्ट के, तो उसमें ज़रूर आप वो भी रेसिपीज ट्राई कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने 5 बादाम लिए हैं वो इसमें ऐड कर देंगे, और उसी के साथ यहाँ पर 2 मैंने खजूर लिया था, वो उसका सीड्स जो होता है ना वो निकाल कर इसमें ऐड कर दीजिएगा। 2 से 3 ग्लास ये बन जाएगा ड्रिंक, जैसे कि आइस क्यूब्स इसमें हम डाल देंगे, इंस्टेंट ये पीना होता है, और थोड़ा सा मिल्क बस ऐड कर देंगे, ज़्यादा नहीं, आधा कप काफ़ी है। इसे हम पीस लेके ग्राइंड कर लेंगे, शुगर बिल्कुल भी नहीं डालना है अगर आप वेट लॉस के लिए इसे इस्तेमाल कर रहे हो तो। देखिए विदाउट शुगर मतलब चीनी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है अगर आप वेट लॉस जर्नी में हो तो। और ये बनके रेडी हो चुका है, तो इसे अपने डाइट में ज़रूर शामिल कीजिएगा। ऐसे ही मज़ेदार से वीडियोस देखने के लिए, मतलब कि वेट लॉस से रिलेटेड, तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से इजीली नोटिफिकेशन मिल जाएगा आप लोगों को, जिसमें इजी रेसिपीज मैं बताऊंगी। तो आप अपने डाइट में शामिल करोगे तो आपकी जो स्किन है ग्लो करने लगेगी, स्किन पर निखार आने लगेगा, और साथ ही साथ जो आपका वजन है वो भी कम होगा। अगर वेट लॉस आप करना चाहते हो तो फटाफट हो जाएगा, क्योंकि इससे भूख नहीं लगती है। कुछ ऐसे हेल्दी मतलब वेजिटेबल्स हम इसमें ऐड कर देंगे, जिससे बहुत ही हेल्दी यहाँ पे जूस बनके रेडी हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नया हो, पहली बार मेरा वीडियो वॉच कर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से इजीली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर करना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 कैरेट मतलब कि गाजर, और उसी के साथ 2 बीटरूट मतलब कि चुकंदर जिसे कहा जाता है। ये दोनों भी चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है फ्रेंड्स, इसे ज़रूर ट्राई करना। ये जूस को आप अपने डाइट में शामिल करोगे ना, रेगुलर आपको लेना होगा मॉर्निंग में, मतलब कि नाश्ते से पहले अगर आप लोगे तो बहुत ज़्यादा मतलब इसका बेनिफिट है। तो इसके लिए मैंने देखिए इसे क्लीन कर लिया, ऊपर का छिलका निकाल दिया है, कैरेट का भी निकाल दिया है, और जो चुकंदर है बीटरूट उसका भी निकाल दिया है, और इसे वॉश करके छोटे छोटे क्यूब्स हम कट कर लेंगे। इसे हमें ग्राइंड करना होगा, कुछ इंग्रेडिएंट्स भी हम इसमें ऐड कर देंगे। सबसे पहले ब्लेंडर जार में हम ये दोनों इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे, और जैसे कि मैंने बताया आपको ये नाश्ते में ही आप लोगे तो अच्छी बात है, जैसे कि आप अगर वॉक करते हो, मॉर्निंग वॉक या जॉगिंग वगैरह करते हो, उसके बाद आधा घंटे बाद आप इसे ज़रूर ट्राई करना। इसमें मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा ऐड कर दिया है, मतलब जिंजर, और उसी के साथ थोड़े से मिंट लीव्स जो कि फ्रेश है वॉश करके ऐड कर देना है। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे क्योंकि ऐसे ही पीसा नहीं जाएगा, थोड़ा पानी आधा ग्लास मैंने ऐड कर दिया। इसे ग्राइंड कर लेंगे हम, तो देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, फाइन इसकी पेस्ट बन गई है जैसे कि आप लोग देख रहे हो। इसमें और कुछ इंग्रेडिएंट्स डालना बाकी है, जैसे कि मैंने फिर से आधा ग्लास पानी इसमें डाल दिया है, और उसी के साथ यहाँ पे पिंक सॉल्ट जो होता है जो वजन कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, तो वो ऐड कर दिया है 1/2 टीस्पून, और इसे फिर से मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो मैंने इसे पीस लिया है, अब बारी आती है इसे ड्रेन करने की। एक छन्नी का इस्तेमाल हम करेंगे, इसमें हम ये ऐड कर देंगे। आप इसे ऐसे भी पीस सकते हैं, लेकिन अगर छान कर पियोगे तो अच्छी बात है ना, तो छन्नी की हेल्प से मैं इस तरीके से इसे छान लूँगी, और आप चाहे तो कॉटन का जो नैपकिन होता है उसकी हेल्प से भी आप इसे निचोड़ सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से करना है, और ये जो मटेरियल जो बचेगा उसे आप मतलब वेस्ट ही है ना ये तो फेंक देना है। आप इसे आराम से स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हो 2 दिन के लिए, 2 दिन से ज़्यादा इसे ना पीजिए, खराब हो जाएगा। फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं रखना है। अगर आप मॉर्निंग में इसे पीना चाहते हो, मतलब मॉर्निंग में ही पिया जाता है ये जूस, तो रात में बना लीजिए, फ्रेश जूस पीजिए तो ज़्यादा फायदा होगा। इसे आप लेने से पहले थोड़ा सा लेमन जूस ज़रूर ऐड करना, तो या आप ग्राइंड जब करते हो तब भी 1/2 लेमन जूस इसमें ऐड कर सकते हो।
वन मंथ आप इसे लेकर देखिए, रात में बनाइए, फ्रेश जूस निकालकर मॉर्निंग में पीजिए, जॉगिंग करते हो, वॉकिंग करते हो, उसके बाद आधा घंटे बाद इसे लीजिएगा तो यकीन आपको जरूर फायदा होगा, वेट लॉस के लिए भी और स्किन के लिए भी। तो जरूर ट्राई करना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। इस ड्रिंक को आप अपने ब्रेकफास्ट में जरूर शामिल कीजिए। अगर आप वर्कआउट करते हो तो आप इसे जरूर अपने डाइट में शामिल कीजिए, बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है। आप बच्चों को भी इसे दे सकते हैं, इसे मॉर्निंग के समय लेंगे तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। तो यहाँ पे सबसे मेन इंग्रेडिएंट है बनाना। एक केला मैंने लिया है, केले का छिलका निकालकर इसके पीसेस हम कट कर लेंगे, एक ब्लेंडिंग जार हम लेंगे और केले को इसमें हम ऐड कर देंगे। अब कुछ इंग्रेडिएंट्स इसमें और जाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। अगर वेट गेन करना चाहते हो, आप वजन बढ़ाना चाहते हो, तो इस रेसिपी को अपने ब्रेकफास्ट में ज़रूर शामिल कीजिएगा। आई होप बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है ये, तो आप लोगों को बहुत फ़ायदेमंद देगी। चार बादाम मैंने लिए हैं, देखिए 4 से 5 लिए और इसमें ऐड कर दिए। आप चाहे तो काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने खजूर लिए हैं, गीली वाली जो खजूर आती है ना, उसका जो बीज होता है अंदर सीड, वो निकाल देना है। इस तरीके से वॉश करके हम ऐड कर देंगे इसमें, देखिए तो पहले से वॉश करके मैंने रखा था, तो इसमें डाल देंगे हम। अब ये सब चीज़ों को ना हम ग्राइंड कर लेंगे। इसमें शुगर मैंने नहीं डाला है, चीनी मैंने बिल्कुल भी नहीं डाली है। आप चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन चीनी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, इसके लिए मैंने खजूर का इस्तेमाल यहाँ पे किया है। मिठास भी देगा और हेल्दी भी है। अब यहाँ पे कुछ मैंने आइस क्यूब्स इसमें डाल दिए हैं और इसे हम पीस लेंगे। तो देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया है, बहुत ही अच्छे से ये पीस लिया है मैंने। इसमें पानी या दूध कुछ भी अभी तक डाला नहीं है मैंने, तो इसमें हम ऐड कर देंगे दूध। तो दूध की क्वांटिटी 1 ग्लास मैंने ली थी, तो आधा ग्लास यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, आधा ग्लास मैंने दूध डाल दिया है इसमें, क्योंकि ये ठीक बनता है, पतला नहीं चाहिए हमें। इसे भी मैंने पीस लिया है दूध डालकर, देखिए। और यहाँ पे ठीक इसी तरीके का होता है बनाना मिल्क शेक, ये बनके रेडी हो चुका है। आधा ग्लास दूध और 1 केला, इससे 1 ग्लास यहाँ पे मिल्क शेक बनके रेडी हो जाता है। तो आप इसे अपने डाइट में ज़रूर शामिल कीजिएगा, अगर वर्कआउट करते हो या वज़न गेन करना चाहते हो, वज़न बढ़ाना चाहते हो, तो इसे ज़रूर ज़रूर आप ट्राई कीजिए, इस्तेमाल कीजिए ब्रेकफास्ट में, अपने बच्चों को भी दीजिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी का जूस, जो कि काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है, स्पेशली वेट लॉस के लिए इसे लिया जाता है, क्योंकि इसमें ना कैलोरीज ना के बराबर होती है, तो वेट लॉस के लिए तो ये फायदेमंद है ही है। स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट है ना, वो लोग भी इसे ले सकते हैं, क्योंकि ये एकलौता ऐसा जूस है जिसमें कैलोरीज बिल्कुल भी नहीं होती है, और इसमें फाइबर काफ़ी ज़्यादा होती है। तो फाइबर होने की वजह से ये लौकी जो है ना, इसका जूस लिया जाता है, क्योंकि ये जूस के वजह से ना हमारा जो स्टमक है, पेट है, फुल रहता है काफ़ी देर तक, तो इसके वजह से स्पेशली वेट लॉस के लिए इसे लिया जाता है। बीपी भी काफ़ी हद तक मतलब कंट्रोल में रखता है ये लौकी। लौकी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है फ्रेंड्स, इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लीजिएगा, और डॉक्टर तो इसे सजेस्ट करते हैं इसे लौकी मतलब खाने की, हार्ट के जो पेशेंट होते हैं ना, उन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। फैट बर्न करने में ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, और कैल्शियम तो होता ही होता है इसमें, तो इसके लिए इसे सजेस्ट किया जाता है लेने के लिए। तो ऐसे ही इसे नहीं खाया जा सकता है ना, और इसे अगर पकाकर हम खाओगे ना, तो जितने भी बेनिफिट्स है सब मतलब कुछ फ़ायदा ही नहीं देगी, तो इसके लिए इसे कच्चा खाया जाता है। तो कच्चा कैसा खाएंगे, तो इसके लिए इसका जूस हम निकाल कर पीते हैं। तो जूस की रेसिपी मैं शेयर करने जा रही हूँ आज, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो, पहली बार मेरा वीडियो वॉच कर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी हेल्दी रेसिपीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, वेट लॉस से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लौकी लिया था एक, इसमें 2 ग्लास जूस बनेंगे। मीडियम साइज की लौकी थी, ऊपर का छिलका जो है मैंने निकाल लिया था, और इसमें जो ये जो सीड्स होते हैं, बीज वाला जो पोर्शन होता है, हल्का हल्का हमें निकाल लेना है नाइफ की हेल्प से, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, बहुत ज़्यादा भी नहीं निकालना है, थोड़ा सा व्हाइट वाला पार्ट रहने देना है, और क्योंकि इसमें सीड्स होते हैं ना, तो सीड्स आगे चल के आपको मतलब नुकसान भी कर सकते हैं, इसके लिए सीड्स निकालना है। और इस तरीके से मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कट कर लिए हैं, इसे वॉश भी कर सकते हो आप। अब इसे हमें ग्राइंड करना होगा, तो एक मिक्सी का जार लेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे। देखिए वीडियो को बिना स्किप किए देखना है, क्योंकि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐसे डालने वाले हैं आगे, जो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, तो ज़रूर वीडियो को एंड तक देखना है। तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, देखिए। अब पानी मैंने बिल्कुल भी इसमें नहीं डाला है, क्योंकि काफ़ी हद तक पानी इसमें रहता है, 92% पानी रहता है, इसके लिए स्किन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है ये। थोड़े से मिंट लीव्स मतलब कि पुदीने के पत्ते मैंने ऐड कर दिए हैं, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा जो रहता है ना वो लिया था, उसके छोटे छोटे क्यूब्स कट करके ऐड कर दिए। ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून जाएगा, और उसी के साथ जो भुना कुटा जीरा होता है वो 1/2 टीस्पून ऐड कर देंगे, और पिंक सॉल्ट जो होता है, काला नमक जिसे कहते हैं, वो ऐड कर देंगे, जो कि वेट लॉस के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है स्पेशली बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। हमारा फैट बर्न करने में
काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं ये। और थोड़ा सा पानी हम ऐड करते हैं। देखिए बेली फैट कटर भी इसे कहा जाता है। ये जूस को काफ़ी हद तक वेट लूज करने में आपको फ़ायदा देगा ये जूस, तो इसको अपने डाइट में ज़रूर शामिल कीजिएगा फ्रेंड्स। 7 दिन आप इसे कंटिन्यूस लेकर देखिए, आपको खुद पता चलेगा। और 1 मंथ के लिए आप इसे लोगे ना तो वेट लॉस होगा ही होगा। तो देखिए मैंने इसे छान लिया है, थोड़ा सा मिक्सी का जार है ना उसमें पानी ऐड कर दिया था, वो भी इसमें ऐड कर दिया है। और पानी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये मतलब स्किन को हेल्दी रखता है। और जैसे कि यूरिन की शिकायत जिन लोगों को रहती है ना, वो लोग भी इसे ले सकते हैं, क्योंकि इसमें पानी इतना ज़्यादा रहता है ना कि आप लोगों को मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी ये जूस पीने से। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना, अपनी डाइट में शामिल कीजिए। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है वेट लॉस के लिए स्पेशली। आप ज़रूर 15 दिन इसे लेकर देखिए, 1 मंथ लेकर देखिए, आपको खुद पता चलेगा। 7 दिन भी कम से कम आप ले सकते हैं, तो खुद ही पता चल जाएगा। तो ज़रूर ट्राई करना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक आसान से रेसिपी के साथ। तब तक दो हमें याद रखना, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।